देखिए तमन्ना, एक तो ये कि मुझे लगता है कि जब ये बात हो रही कि बीजेपी ने बुर्का का सवाल क्यों उठाया है, तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उनको शायद वो हक है कि आप जहां आपको लगे कि आपके खिलाफ कोई वोटिंग हो रही है, और अगर उनको लगता है, क्योंकि एक तो बहस का वो मुद्दा ये है कि क्या बुर्के में अगर बोगस वोटिंग होगी तो क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाएं जाएंगी क्या, और क्या हिंदू महिलाएं घूंघट आधे से ज्यादा शरीर उनका भी ढका होता है, चेहरा भी ढका होता है, और गांव की महिलाएं वैसे ही रहती हैं, तो क्या उनको भी कहा जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि दो तरह की इसमें चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो बुर्के पे सवाल है इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक वो बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने जब अगर आपको याद हो कि तीन तलाक का मुद्दा उठा था और खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम भी इस पे बहस कर रहे हैं, बहुत अंदर अंदर एक बड़ी कैंपेन चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो प्रोग्रेसिव वुमेन्स हैं, जो एक मुसलमान तबके में वो महिलाएं जो बाहर निकलना चाहती हैं, और उसकी कोशिश सिर्फ संघ की तरफ से नहीं हो रही है, उसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अंदर खाने बहुत जबरदस्त हो रही है कि उन महिलाओं को जो थोड़ा सा बाहर निकल के पढ़ रही हैं, जिनको लगता है कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है जिसमें ये पर्दा है, बुर्के की बात अगर हम कहें, या तीन तलाक है, या इस तरह की जितनी वो कोशिशें हैं जिसको मुस्लिम समाज एक कहें कि एक अपना एक घेरेबंदी करके रखता है, तो एक तो वहां घुसने की कोशिश है। दूसरी जो बड़ी चीज है कि इसको जफर इस्लाम भले न माने, लेकिन ये पॉकेट कौन से हैं जरा देखने की बात है। ये वो पॉकेट है, एक आजमगढ़ है जहां मुलायम सिंह यादव, जब इनकी पूरी लहर थी तब भी उस आजमगढ़ के सांसद मुलायम सिंह यादव बने, और 2012 के चुनाव में 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी और एक सीट बहुजन समाजवादी पार्टी, इलाहाबाद के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला है आजमगढ़। दूसरा एक और उसके बगल में दो जिले हैं, मऊ और गाजीपुर। मऊ से खुद मुख्तार अंसारी और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़े 1,10,000 वोटर हैं उनकी सीट पे, जो अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं मुख्तार के बेटे, और खुद गाजीपुर जहां से सिबगतुल्ला अंसारी लड़ रहे हैं वहां भी 3 सीटों पर सीधा मुसलमानों का प्रभाव है। तो इन दोनों चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है, और निश्चित तौर पर वो वहां पर, चाहे आप उसको मुस्लिम कार्ड प्ले करने की बात कहिए, या वो कोशिश ये कर रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव वुमेन है वो हमारे साथ आए, और जो बोगस वोटिंग कहीं बड़े इलाके में, और ये माना जाता है कि जहां पे थोड़ा बाहुबली उस तरह के लोग हैं वो ये करते हैं, ये प्रैक्टिस में है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, पहले से बहुत जो भी हुआ हिंदू जो बाहुबली है वो भी खूब ये करता है, तो ऐसी जगहों पर शायद वो एक